अजय देवगन, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म टोटल धमाल का नया सॉन्ग मुंगड़ा इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। सोनाक्षी सिन्हा पर फिल्माया गया ये गाना 80s के दशक के पॉपुलर सॉन्ग का रीमेक है, जो हेलन पर फिल्माया गया था। क्योंकि ये सॉन्ग आज भी काफी पॉपुलर है, इसलिए फैंस इस गाने का रीमेक देखकर भड़क गए हैं और सोनाक्षी के साथ साथ फिल्म टोटल धमाल की पूरी टीम को ही सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया है। इस लिस्ट में अब बॉलीवुड की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का भी नाम जुड़ गया है, जिन्होंने इस गाने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। लता मंगेशकर जी ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि ये गाना उन्हें पसंद नहीं आया और साथ ही उनका कहना है कि अब तो कोई उनके गानों को रीमेक करने से पहले परमिशन भी नहीं लेता है। लता जी ने कहा कि हमारे गानों को काफी अच्छे से डील किया जाता था और उन्हें काफी सेंस के साथ बनाया जाता था। उन गानों की आहुति चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। इससे पहले मुंगड़ा गाने के ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन ने कहा था कि लगता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री ने नए गानों को बनाने का कॉन्फिडेंस ही खो दिया है। राजेश रोशन और लता मंगेशकर जी की बातों का करारा जवाब देते हुए टोटल धमाल के निर्देशक इंद्र कुमार ने कहा कि जब रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्म गोलमाल अगेन में हमारे गाने नींद चुराई मेरी को रीमेक किया था, मेरे पास भी कोई अप्रूवल के लिए नहीं आया था। म्यूजिक लेबल के पास सारे राइट्स होते हैं और उस लेबल के ओनर को अधिकार है कि वो क्या करना चाहता है। बता दें कि टोटल धमाल फिल्म 22 फरवरी 2019 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। अब देखते हैं कि ये ट्रोलिंग इस फिल्म के लिए एक प्रमोशनल इवेंट साबित होती है या फिर दर्शकों को घर पे ही बिठाए रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज़ प्लीज़ सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।